स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स से क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज इस क्लास में 3D से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग मतलब कि 2 या 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही बढ़िया ये मतलब कि कॉन्सेप्ट रहेगा, बढ़िया क्लास रहेगा। तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और कोर्स को ज्वाइन करना है। क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। मेरे क्लास का लेंथ क्या है, 15 से 25 मिनट तक पढ़ाते हैं हम, लेकिन धमाल मचता है क्लास में क्योंकि कम टाइम में अच्छा से कॉन्सेप्ट देते हैं। तो क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और फिर जो होमवर्क कराते हैं, होमवर्क देते हैं, उसको आप बढ़िया से कर लेते हो तो बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। तो आइए देखा जाए यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है। लेकिन एक और चीज़ कहना चाहेंगे, यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है आरके सिंह मोतिहारी, ठीक है, मेरा फोटो आएगा, उस पर टच कीजिएगा, आएगा चैनल सब, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर जो चाहे सो देखिए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए आज का टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। पहले कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन समझते हैं, डायरेक्शन कोसाइन दी कोजाए, डायरेक्शन कोसाइंस आज का टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइन दी कोजिया, हिंदी लिखिएगा दी कोजिया, है ना। बस समझने का प्रयास करना है आपको। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा है ना, ठीक ठाक तो बनी रहा होगा, थोड़ा सा मतलब कैमरा में इसको ना पीछे टेढ़ा आ जाता है, सो बर्दाश्त कर लीजिएगा बाबू। ये जेड, अब एक लाइन यहाँ पे है, देखिए एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है ना। ये मान लीजिए पॉइंट एक्स वाई जेड लेकर बैठा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, एक्स वाई जेड लेकर बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ना ये एक्स एक्सिस जो है एक एंगल बना रही है इसके साथ, एक वाई एक्सिस बना रही है, एक जेड एक्सिस बना रही है। एक्स बना दिया अल्फा, वाई बना दिया बीटा और जेड बना दिया गामा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे समझिए जो बात बता रहे हो, सुनिए। यहाँ पे एक लाइन है, इसके साथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो समझिए, तो यहाँ पे एंगल बन गया ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या होता है, कहलाता है, आपको ये सब कहलाता है डी कोसाइन, डी कोसाइंस, डी कोसाइंस। अब देखिए मतलब कि एक क्या है, लाइन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। तो कॉस अल्फा का मान, कॉस बीटा का मान, कॉस गामा का मान क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, बात याद रखिएगा। इसको हम लोग जनरली एल से डिनोट करते हैं, एल से, इसको हम लोग एम से, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एल एम एन से डिनोट किया जाता है। क्लियर, बात को समझिए, क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स होता है, रिजल्ट्स याद रखिएगा, हमेशा पूछता है, रिजल्ट्स याद रखिएगा। पहला बात यहाँ देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा बार बार पूछता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। दूसरा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा, स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी होता है 1। लेकिन इसको जब लिखेंगे साइन के रूप में, साइन के रूप में यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तो आपको आ जाएगा 2। याद रखिएगा, बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, 1 मार के चले जाते हैं एग्जाम में, 1 नहीं होगा, 2 होगा। तो ये पूछे चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, आपको बना के आना है, याद रखिएगा हमेशा। अब एक चीज और बता रहे हैं, रिजल्ट नंबर 4, वो रिजल्ट तो समझे आपके दिमाग में चलना चाहिए। देखिए कैसे, रिजल्ट नंबर 4 डायरेक्शन कोसाइन, डी कोसाइंस ऑफ, चलिए ए नंबर में आइए, एक्स एक्सिस का क्या होगा, एक्स एक्सिस का, बी में आ जाइए वाई एक्सिस का, और सी में आइए जेड एक्सिस का,
क्या होगा? तो x एक्सिस का होता है 100, y का होता है 010 और z का होता है 001। और ये मतलब बोर्ड एग्जाम में हर साल एगो ना एगो पूछता है, x का पूछे, y का पूछे, z का पूछे, कभी कभी दो दो पूछ देता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हम, ये जो पांचों रिजल्ट चारों रिजल्ट बताए हैं ना, इसको समझिए, दिल दिमाग में सेट रखिएगा, है ना। ये भाषा नहीं लिखाए हैं हम कि जब कोई लाइन एंगल बनाती है ऐसे ऐसे अल्फा बीटा गामा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एक्शन को साइन कराते हैं, सरते लिखाए हैं, ठीक है ना, समझ गए ना, ये सब बात समझ में आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए हबड़ाइए नहीं, हबड़ाइएगा तो काम बढ़ा जाएगा, बहुत कुछ है। चलिए आइए देखिए यहां पे कह रहा है कि एंगल्स, देखिए क्वेश्चन में अब देखिए इफ माने ए लाइन मेक्स एन एंगल्स, तो इसे लिखते हैं एंगल्स। एंगल्स देखिए क्या क्या बना हुआ आपको दिया रहेगा, एंगल्स दिया है क्या क्या, तो एंगल्स है 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 135 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है तो यहां पे आपको एल का मान क्या होगा, तो कॉस अल्फा 90 डिग्री का 0, एम का मान क्या होगा कॉस 45 मतलब 1/√2, एन का मान क्या होगा कॉस 135 मतलब कॉस क्या होगा, देखिए 180 माइनस कितना 45 है ना, क्या होगा माइनस कॉस 45 मतलब माइनस 1/√2, तो यह एन का मान आ गया, ठीक है ना, ये और ये। तो देखिए ये हो गया आपको डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन का मान, ठीक है ना, ऐसे निकालने के लिए आपको कहा जाएगा, समझे ना बात। अच्छा इसमें कुछ और बात भी उसको हम बताते हैं आपको साथ, आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना, हमारा ये नहीं क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक कह रहा है कि फाइंड द डिसीज ऑफ ए लाइन दैट मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिसीज माने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, हिंदी बताएंगे, ऑफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद, देखिए हिंदी क्या है, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस कथी कर रहा है, देखिए कह रहा है क्या कि एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस साथ में क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। फिर समझिए कह रहा है कि एक लाइन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रहा है, तो आपको उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। मतलब एक लाइन है, फिर समझिए एक लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में समान कोण बना रहा है, सबका मान बराबर है, तो एल एम एन का मान बताना है, ये कह रहा है। चलिए सोल्यूशन आपके साथ, देखिए यहाँ पे गिवन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल बराबर है, चलिए सब में कॉस, इसलिए क्या होगा, इसलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इतना बुझा गया ना। अब देखिए यहां पे लिखेंगे सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन होता, अभी रिजल्ट में बताया था हमने, अब सुनिए कितना बढ़िया से बात बता रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, मतलब कि तीनों क्या है एंगल बराबर, सब पे जगह अल्फा डाल दिया हमने, देखिए यहां पे क्या हो गया,
यहां पे क्या हो गया, एक दो तीन, तीन कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, मतलब हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन बाई थ्री। तो या यहां देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसलिए एल बराबर एम बराबर एन बराबर क्या होगा, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये रहा शानदार तरीका, समझ गए ना। अब इतना बुझा गया बात आपको ना, इतना बात बुझा गया तब आगे भी बढ़ता, आगे भी कंसेप्ट है इसमें, है ना, इतना बुझा गया बात। अब रही बात आता है डायरेक्शन रेशियो का। देखिए हम सीरियस होकर नहीं पढ़ा रहे हैं, समय कम है ना, तो चाह रहे हैं कि कम समय में अच्छा से पढ़ा दे आपको, इसलिए कंटेंट दे रहे हैं। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा ना, तब दो बार तीन बार पढ़िएगा, सब कुछ बुझाएगा, है ना। इतना आसानी से कौन बताता है भाई, लोग तो खाली लाइक शेयर करने के चक्कर में रह रहा है। लाइव क्लास जो करते हैं आप, उसमें क्या देखते हैं आप लोग, आवाज जा रही है नहीं जा रही है, सुनो ये बोला मनु बोला, है भाई बच्चा को पढ़ने तो दो, रिट्रैक्शन होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बस, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है मेरा, अपने दोस्तों को बताइएगा, आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा हमको, तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो की बात हम कर रहे हैं, दिक अनुपात इसका हिंदी होता है, ठीक है ना। देखिए समझिए, यहां पे सिंपल से बात समझिए, आपको बता रहे हैं यहां पे ऐसा है कि इफ ऐसा है कि एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी, ए बी सी तीन ऐसे नंबर हैं जो डायरेक्शन कोसाइन व दिक कोजिया एल एम एन के समानुपाती हैं। तो यहां पे ए बी सी जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डी रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, डी अनुपात। एक ये तरीका हुआ समझने का, एक तरीका ये समझने का, मतलब कोई भी दुनिया की संख्या ऐसी है कि जो किसी भी लाइन के लिए एल एम एन, मतलब कि हम डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं, उसके समानुपाती हो जाता है, तो तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, वो तीनों नंबर कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। या ऐसे भी हम सोच सकते हैं, देखिए क्या कि आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के क्या है, एक पोजिशन वेक्टर है, इज अ पी वी, पी वी ऑफ पॉइंट, कौन से पॉइंट का पी वी है, ए बी सी, इसका पोजिशन वेक्टर है। तो देन ए बी और सी क्या कहलाएगा, डी रेशियोज कहलाएगा, डी रेशियोज कहलाएगा, है ना। इतना बात बुझा गया आपको। अब एक रिलेशन भी होता है, रिलेशन, उसी रिलेशन को आपको समझाना है। देखिए यहां लिखिएगा रिलेशन, यहां लिखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन समझिए, देखिए क्या है, यहां समझिए, यहां पे रिलेशन क्या है, इस चीज को बात समझने वाली बात, देखिए कि यहां पे देखिए क्या होता है, एल बराबर होता है ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर क्या होता है बी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर क्या होता है सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है,
याद रखिए बात थी, ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। एल एल एम एन और ए बी सी में रिलेशन बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखिए इससे क्या फायदा है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा आपसे, समझिए क्वेश्चन यहाँ से हटाते हैं प्लीज को, क्वेश्चन ये कैसे कहेगा, देखिए क्वेश्चन कहता है आपसे कि इफ ए इक्वल टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के दिया है, देन फाइंड डीसीज डायरेक्शन को साइन बताइए, कैसे बताएंगे सोल्यूशन। देखिए यहां पे वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, टू आई थ्री जे प्लस सिक्स के, इसीलिए यहां से देखिए ए का मान क्या होगा, दो, बी का मान तीन, सी का मान छः। इसलिए देखिए इसीलिए क्या कीजिए, निकालिए दो का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, क्या होगा, दो का स्क्वायर चार प्लस नौ प्लस छत्तीस, सात आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका सात, क्लियर। तो इसीलिए एल का मान क्या होगा, ए बटा रूट वाला दो बटा सात हो जाएगा। एम का मान क्या होगा, देखिए एम का मान क्या होगा, तीन बटा सात, और एन का मान क्या होगा, छः बटा सात। तो ये रहा शानदार तरीका, ये रहा शानदार तरीका, हबड़ाने का कभी नहीं है ना। तो एल एम एन का मान दिया रहता है ऐसे हम लोग, सॉरी ए बी सी का मान दिया रहता है, क्या करेंगे हम लोग, एल एम एन का मान निकाल लेंगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी रिलेटेड है इसमें, उसको भी समझते हैं। देखिए बुआ, हम चाहते हैं ना कि आपका दिमाग तेज रहे, दिमाग मतलब कि काम करे और कुछ कंसेप्ट सीखें आप, हबड़ाइए नहीं। थ्रेडी में बहुत फॉर्मूला है, लेकिन बेसिक जो है ना, बेसिक दो तीन क्लास जो मेरा चलेगा, ये बेसिक जो समझ में आ गया तो बुआ सारा जो है ना मैंने चैप्टर समझ में आएगा। अब बेसिक गया तो सब गया, समझे ना, बस हबड़ाइए नहीं, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको, क्लियर, समझ रहे ना। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे टॉपिक है यहाँ पे कि देखिए इसको याद रखना है हमेशा, रिमेम्बर, याद रखिएगा तब ना काम चलेगा, और फॉर्मूला ही याद रखिए, याद तो बहुत लोग आता है लेकिन अभी उसको स्टॉप कीजिए, फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक लाइन है, ठीक है, इसके दो पॉइंट्स हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है एक्स वन y1 एंड z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, ठीक है, बात समझ गया ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब समझिए यहां पे कहानी क्या है, यहां पे कहानी क्या उसको देखना काफी जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए इसका AB का करना क्या, हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखिए सबसे पहले बात समझेंगे क्या, हम लोग यहां लिखेंगे पहला बात, डी आर मतलब डी रेशियोज, डी रेशियोज ऑफ क्या ए बी कैसे निकलेगा, ठीक है ना। आर देखिए ए इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ए इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, समझिए एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, बी इज इक्वल टू क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन, और c इज इक्वल टू क्या होगा, z2 टू माइनस जेड वन, इतना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है यहां पे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, समझिए नेक्स्ट क्या है यहां पे, हम चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने, dc इज r, d कोसाइंस r, d कोसाइंस r, देखिए एल इक्वल टू क्या होगा, एल एम एन, एल इक्वल टू देखिए क्या होगा, देखिए हमको करना क्या है ना, कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, यहां पे लिखना है क्या, तो एक्स टू माइनस एक्स वन बाई आर, वाई टू माइनस वाई वन बाई आर, और जेड टू माइनस जेड वन बाई आर, ये लिखना है हमको।
और यहाँ पे क्या है ना सर, यहाँ पे क्या है समझिए बढ़िया से, यहाँ पे क्या है वेयर, लिखेंगे वेयर, वेयर आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन। कितना हार्ड दिख रहा है ना, ये उतना ही आसान है, ये जितना हार्ड उतना आसान है ना, ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप देखिए, हम किसी एग्जांपल से बना रहे हैं, देखिए एक लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे एग्जांपल ये दिया है थ्री टू माइनस सिक्स, एक दे दिया ए बी ए हो गया, और बी दे दिया है यहाँ पे वन टू टू, बी दे दिया है वन टू टू। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए करना क्या, यहाँ लिखिएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, देखिए ए बराबर क्या होगा, देखिए एक घटाओ तीन माइनस दो, बी इक्वल टू क्या होगा दो घटाओ दो जीरो, सी इक्वल टू क्या होगा दो घटाओ माइनस छः आठ हो जाएगा, इसलिए इसलिए क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल देंगे, रूट कर देंगे, तो दो का माइनस दो का स्क्वायर चार, जीरो का स्क्वायर जीरो, आठ का स्क्वायर चौंसठ, चौंसठ चार अड़सठ, रूट अंडर अड़सठ हो जाएगा, इसलिए एल बराबर क्या होगा तो माइनस दो बट्टा रूट अंडर अड़सठ, एम बराबर क्या होगा जीरो बट्टा अड़सठ रूट के अंदर मतलब जीरो, और एल एम एन बराबर क्या होगा आठ बट्टा रूट अंडर अड़सठ। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तब इस चीज को और अच्छा से कंफर्म करने के लिए और अच्छा से क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है, जाना है यूट्यूब पे और सर्च करना है 11.1 बाई आर के सिंह, 11.1 बाई आर के सिंह है ना, तो ये सर्च कीजिए और वहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाइए, पाँच सात पाँच पाँच क्वेश्चन मात्र बनाइए, सोल्यूशन वहां से मिल जाएगा आपको, बना के बढ़िया से आप लोग क्या कीजिए रिवाइज कीजिए, रिवीजन ही लाएगा डिवीजन। सो बढ़िया से पढ़िए, वादा करते हैं अच्छा नंबर आपका आएगा और हम आपको साथ देंगे अंत अंत तक, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करा रहे हैं, सब कुछ कराएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।